देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम 8 बजे एक दुर्गा पंडाल में आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए, इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल है। हादसा उस वक्त हुआ जब भगवान शंकर और मां काली की लीला का मंचन चल रहा था। मंच के सामने 200 से ज्यादा लोग बैठे थे, इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। तभी मंच के दाईं तरफ अचानक भीषण आग लग गई। गुफानुमा बनाए गए पंडाल को फाइबर पॉलिथीन से सजाया गया था। रोशनी के लिए हाइलोजन लाइट लगाई गई थी, उसी से गर्म होकर पॉलिथीन में आग लग गई। अंदर लगे पंखों की वजह से महज 20 सेकंड में आग पूरे पंडाल में फैल गई। बाहर निकलने के लिए सिर्फ पतली सी टेढ़ी मेढ़ी गैलरी थी। भगदड़ मची तो किसी को रास्ता ही नहीं मिला। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज ले जाया गया। हादसे के 3 घंटे बाद रविवार रात 11 बजे घायल 12 साल के अंकुश सोनी और 45 साल की जया देवी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सोमवार सुबह 9 बजे फिर बुरी खबर आई। 8 साल के हर्षवर्धन, 10 साल के नवीन और 48 साल की आरती भी जिंदगी की जंग हार गई। इस तरह इस हादसे में अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 47 की हालत गंभीर है। इनके अलावा 15 लोग मामूली रूप से झुलसे हैं। आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।